यह बात है बीसवीं शताब्दी की जब बच्चे बच्चे की जुबान पर इनकलाब जिंदाबाद का नारा था लाल किले में तिरंगा लहराना हर एक युवा का लक्ष्य था और आज़ाद हवा में सांस लेना हर भारतीय का सपना यह वह समय था जब हर एक भारतीय अपने अपने स्तर पर राष्ट्रीय आंदोलन में भागीदारी दर्ज करा रहा था उस समय की ग्रामीण पृष्ठभूमि को दर्शाने के लिए प्रेमचंद ने लेखन को एक जरिया बनाया मुंशी प्रेमचंद ही पहले रचनाकार हैं जिन्होंने कहानी और उपन्यास की विधा को कल्पना और रोमानियत के ताने बाने से निकालकर यथार्थ की ठोस जमीन पर प्रतिष्ठित किया अस्पृश्यता जातिगत भेदभाव महिलाओं की दुर्दशा और किसान जीवन जैसे मुद्दे सामने होते हुए भी जब उन पर ध्यान नहीं गया तब प्रेमचंद ने उन्हें एक अलग नजरिए से देखा मुंशी प्रेमचंद के लेखन में इन सामाजिक मुद्दों का गहरा प्रभाव है जिनसे लोगों को समाज को देखने की अलग नज़र मिली नमस्कार आप सभी को मैं रिया। हिंदी साहित्य के शिखर पुरुष माने जाने वाले प्रेमचंद की एक जयंती पर आइए मिलकर उनके बारे में बात करते हैं आज हम न सिर्फ प्रेमचंद की रचनाओं का सामाजिक विश्लेषण करेंगे बल्कि उस समय की सामाजिक पृष्ठभूमि को भी समझेंगे बेबस किसान अनमेल विवाह और दहेज प्रथा के बीच झुंझलाती भारतीय महिला हर दिन जहर के समान अस्पृश्यता का घूट लगाते दंपति बेटे का सुख न दे पाने के कारण लज्जित होती माँ भ्रष्ट अधिकारियों के बीच ईमानदार दरोगा और असामान्य स्थितियों को संभालती बड़े घर की बेटी जैसे कई पात्रों से अपनी कहानियां गढ़ने वाले थे मुंशी प्रेमचंद यह पात्र हमारे जीवन से कुछ अलग नहीं है ये कहानियां हमारी कहानियों से जुदा नहीं है इसलिए भी इन कहानियों से जुड़ पाना आसान है सीधे प्रेमचंद की कहानियों पर बात करने से पहले हमें उस समय के सामाजिक परिदृश्य को समझना भी जरूरी है समझना होगा उन परिस्थितियों को जिन्होंने उनके लेखन को इस कदर प्रभावित किया सोज ए वतन नाम से नवाब राय यानी प्रेमचंद का पहला कहानी संग्रह 1907 में प्रकाशित हुआ बात काबिले गौर है कि यह वही समय था जब देश में सामंतवाद और ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ लड़ाई अपने चरम पर थी यही वजह है कि इस संग्रह की कहानियों में प्रेमचंद का देश प्रेम भी झलकता है लेकिन हमीरपुर के जिला कलेक्टर ने इस कहानी संग्रह को देशद्रोही करार दिया और इसकी सारी प्रतियां जलवाकर नष्ट कर दी इस घटना से उन पर और उनके लेखन पर कोई खास असर नहीं पड़ा इस वाकया के बाद नवाब राय से वे प्रेमचंद हो गए और कई कहानी और उपन्यास इस नाम कर दिए प्रेमचंद अपनी कहानी नैराश्य में दर्शाते हैं कि हमारे समाज में लड़कियों के जन्म में तथाकथित पिछले जन्म के पाप का बिल्ला टांग दिया जाता है यह जानते हुए भी कि बच्चे के लड़के या लड़की के रूप में पैदा होने में माता पिता दोनों ही बराबर जिम्मेदार होते हैं फिर भी हमारे समाज में महिलाओं को ही लड़की पैदा होने का कसूरवार ठहराया जाता है कहानी की पात्र निरुपमा के सर भी लगातार तीन लड़कियां पैदा करने का इल्जाम मर दिया गया यह कहानी केवल एक निरुपमा की ही नहीं है यह हर उस निरुपमा की कहानी है जो हमारे आसपास अभी भी समाज में मौजूद लड़कियों के प्रति हीन मानसिकताओं का शिकार है प्रेमचंद की कहानियों के पात्रों के नाम भी अपने आप में अनोखे प्रतीक हैं। उन्होंने ज्यादातर उन नामों को तवज्जो दिया जो तबे कुचले वर्ग के लोगों के माने जाते हैं होरी धनिया गोबर गंगी घीसू हल्कू और दुखी जैसे पात्रों से प्रेमचंद ने कहानियां लिखी उन्होंने सदियों से दबाई जा रही दलितों और और महिलाओं की की आवाज़ को बुलंद किया। तमाम तरह हीन मानसिकताओं से लैस हमारे समाज की उन्होंने अपने लेखन के माध्यम से आलोचना की आधुनिक भारतीय साहित्य के महान हिंदी उपन्यासों में से एक गोदान ग्रामीण समाज और कृषि जीवन को मार्मिक ढंग से पाठक के सामने रखता है वहीं नमक का दरोगा कहानी के माध्यम से मुंशी प्रेमचंद ने सरकारी विभागों में फैले भ्रष्टाचार पर चोट की है रचनाकार ने महिलाओं से जुड़े मुद्दों पर बढ़ चढ़ कर अपने विचार व्यक्त किए एक और तो उन्होंने अपनी कहानी बड़े घर की बेटी के माध्यम से स्पष्ट किया है कि किसी भी घर में पारिवारिक शांति और सामंजस्य बनाए रखने में घर की स्त्रियों की अहम भूमिका होती है वहीं दूसरी ओर निर्मला नामक उपन्यास में निर्मला के माध्यम से भारत की मध्यवर्गीय युवतियों की दयनीय हालत का चित्रण किया गया है जो अनमेल विवाह और दहेज प्रथा की मार झेल रही हैं। प्रेमचंद का आरंभिक कथा साहित्य कल्पना संयोग और रोमानियत के ताने बाने से बुना गया है लेकिन एक कथाकार के रूप में उन्होंने लगातार विकास किया और वे सामाजिक जीवन को कहानी का आधार बनाने वाली यथार्थवादी कला के अग्रदूत के रूप में सामने आए आदर्शोन्मुख यथार्थवाद से आलोचनात्मक यथार्थवाद तक की यात्रा उन्होंने की आजादी की बात भी हाकिम के मुंह देखकर कहने का उन दिनों रिवाज था कुछ लोग थे जो इस रिवाज को नहीं मानते थे मुंशी प्रेमचंद भी उन्हीं सरफिरों में से एक थे अपने लेखन के आखिरी वर्षों तक आते आते उन्होंने कठोर वास्तविकता को प्रस्तुत करने में जरा भी समझौता करना वाजिब न समझा इस तरह धनपत राय से नवाब राय और फिर मुंशी प्रेमचंद बनने तक की विकास यात्रा में वे कई हजारों लोगों की आवाज बने और हिंदी साहित्य में विशेष स्थान अपने नाम कर गए